वेलकम बैक टू टेंडर एनालिसिस। आज टेंडर एनालिसिस में हम पेंटिंग से रिलेटेड राइट, जिसमें कि मशीन पार्ट्स हो गए, जिसमें कि बिल्डिंग्स हो गए, जिसमें कि और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ओवरऑल जो है पेंटिंग का वर्क है राइट, जिसमें कि आपको 29 मतलब 30 लाख का आसपास जो है, 30 लाख के आसपास का जो है टेंडर है राइट। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं गाइस राइट। एंड डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और किस वर्क से रिलेटेड आप टेंडर चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिस वर्क में आप डील करते आए हैं काफ़ी टाइम से, उससे रिलेटेड मैं आपको टेंडर प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप बस मुझे बता दें कि हाँ इससे रिलेटेड मुझे टेंडर चाहिए, पैन इंडिया में कहीं भी किसी भी राज्य में मैं डेफिनेटली आपको टेंडर प्रोवाइड करके दूंगा राइट। यू कैन ज्वाइन मी एट टेलीग्राम और इंस्टाग्राम एज वेल राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टेंडर। सो ये देखिए, ये टेंडर है और इसमें क्या है आपका टेंडर अमाउंट ना, पेंटिंग ऑफ वेरियस फैसिलिटीज राइट। टेन तो ये है, इसमें 29,65,550 रुपये का ये टेंडर है इंक्लूडिंग GST राइट। और यहाँ पे आपको EMD क्या होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट राइट, जो कि एडवांस में पैसा जमा करना होता है, तो ये आपको जमा करना पड़ेगा। बट ऐसे कंपनी जो जिनको जमा नहीं करना पड़ेगा, जो डायरेक्ट जो है टेंडर भर सकते हैं बिना EMD जमा किए हुए ही, तो जो कंपनी MSME है मतलब माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज का सर्टिफिकेट जिस कंपनी के साथ है, जिस कंपनी के पास है, उनको EMD अमाउंट जो है 10% नहीं भरना पड़ेगा टोटल टेंडर का। और यहाँ पे 2% जो है EMD अमाउंट भरना होता है, जो कि आपको नहीं भरना है राइट। MSE के अलावा जो PSU कंपनी है, जो JVS ऑफ IOCL आर एग्जेम्प्टेड राइट, जो कि ज्वाइंट वेंचर हैं राइट, IOCL के साथ मिलके काम करते हैं राइट, सब्सिडी कंपनी है, उनको नहीं देना होगा, क्योंकि ये टेंडर जो है IOCL के द्वारा रिलीज किया गया है, IOCL का वर्क है ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये टेंडर है। और PSU जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के PSU पब्लिक सेक्टर के यूनिट के जितने भी कंपनी हैं, उनको EMD नहीं भरना होगा। और ऐसे और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जिनके पास MSME का सर्टिफिकेट है, उनको जो है नहीं भरना पड़ेगा EMD, बाकी सभी को EMD भरना होगा राइट। और जिन्होंने EMD नहीं भरा राइट, और या डॉक्यूमेंट सही से सबमिट नहीं किया, तो उनका जो है टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा टेक्निकल बिड में। टेक्निकल बिड में क्या होता है गाइस, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जो भी जिस प्रकार का टेंडर होता है, तो उसमें पहले डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाता है कि जो मांगा गया था डॉक्यूमेंट इस टेंडर के लिए आपने जमा किया या नहीं किया एक्चुअल में राइट। ईच एंड एवरीथिंग बहुत बारीकी से, आपका एरर भी हो गया थोड़ा सा तो भी वो आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ कुछ कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। BOQ जो होगा, वेरिफिकेशन जो होगा टेंडर का, उसको ध्यान से बनाइएगा, उस पर ध्यान से ईच एंड एवरी कॉस्टिंग को मेजर कीजिएगा, एंड देन फिर आप जो है टेंडर फिल कीजिएगा। क्योंकि जैसे इसमें वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस में क्या होता है, जैसे कि यहाँ 30 लाख का है, तो आपको अराउंड अगर देखें तो 7.5-8 लाख का एक जो है वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा। अगर आपके पास एक वर्क 7.5-8 लाख का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जो है अराउंड 5 लाख के आसपास का या 6 लाख का आसपास का दो वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। अगर 6 लाख का नहीं है तो 4 लाख का जो है 3 वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा, और ये वर्क एक्सपीरियंस 100% कंप्लीट हुआ होना चाहिए। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा मैं हमेशा टेंडर एनालिसिस में जब भी बताता हूँ तो ये ज़रूर बताता हूँ कि जब भी आप टेंडर वर्क एक्सपीरियंस सबमिट करें, तो वह काम 100% कंप्लीट हो चुका हुआ होना चाहिए। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है जो आपके चल रहा है 1 करोड़ का, 1 करोड़ में आपने 50 लाख का काम कर लिया, तो आपको चाहिए 10 लाख का ही वर्क एक्सपीरियंस, तो वो 50 लाख का आप देंगे तो वो रिजेक्ट हो सकता है, बिकॉज आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें से आपने आधा काम किया है, तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का वर्क एक्सपीरियंस नहीं दीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। और जो 100% काम और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, उसका वर्क एक्सपीरियंस आप दीजिएगा। तो एक वर्क एक्सपीरियंस हो गया, और दूसरा है आपका इसमें जो है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या क्या काम किया है, कितने का काम किया है, ये 3 साल का बैलेंस शीट आपको देना होगा। जैसे कि आप इंडिविजुअल फॉर्म है,
लाइक एक ठेकेदार टाइप के अगर इस तरह के हैं, तो आपका जो है लास्ट 3 साल में आपने कितना आपका प्रॉफिट रहा, वो नहीं कितने ओवरऑल आपने कितने का बिजनेस किया, वो आपको 3 साल का ऑडिटर से जो है सीए से आपको वेरीफाई करके वो देना होगा, राइट। ये जो है वर्क एक्सपीरियंस एंड बैलेंस शीट, ये दो चीज़ें होंगी। इसके अलावा पीएफ, इसके अलावा जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर, ये सब व्यस्त होगा, एड्रेस प्रूफ। एंड इसके अलावा जब आप पीएफ, ग्रेचुटी, एचआरए, ये सारी चीज़ें कब लगती हैं, जब आप बिलिंग करते हो टेंडर मिलने के बाद, तो उसमें जितने भी इम्प्लॉय हैं आपके, जितने भी वर्कर हैं, उसका ये सारा कुछ जो है आपसे मांगा जाएगा एज ए कंप्लाइंसेस, ये आपको सबमिट करना होगा, तभी आपका बिल होता है। ये पहले ही आपको सबमिट कर देना होता है। जितने भी मटेरियल आप यहाँ पे कलर्स या फिर और सारी चीज़ें जब इसमें सबमिट करोगे, कॉस्टिंग लगाओगे, तो उसके साथ आप उसका सर्टिफिकेट भी जमा करेंगे कि ये मैं एशियन पेंट या ये डिफरेंट डिफरेंट पेंट में और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल यूज करने वाले हैं, तो इसका आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा टेंडर के दौरान, डिजिटल ऑनलाइन सबमिट करने पे, जिसमें कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो है सर्टिफाइड मटेरियल होना चाहिए, वो आप सबमिट करोगे। तो इस सब बात का आप ध्यान रखिएगा, राइट गाइज। सो ये चीज़ें हैं, और जो है टेंडर आपका 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड कर सकते हैं, और 22 अगस्त जो है 5 बजे तक आप टेंडर जो है सबमिट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए 22 अगस्त तक, और ओपन हो जाए टेक्निकल बिड, वो होगा 23 अगस्त को 5 बजे ओपन होगा। एंड देन फिर जब टेक्निकल बिड क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फाइनेंशियल बिड स्टार्ट होगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा किसको टेंडर मिला। अगर आपका रेट कॉम्पिटेटिव होगा, सबसे कम रेट होगा आपका, तो आपको टेंडर मिल जाएगा। तो वहाँ पे ऑप्शन भी मिलेगा कि अगर आप सबसे कम नहीं है, आप सबसे महंगे वहाँ पे अपने यूक्यू डाला है, यू नो कोटेशन डाला है, तो उसमें आप कम भी कर सकते हैं, वहाँ पे वो ऑप्शन होता है, राइट। और फाइनेंशियल बिड में तो जैसे कि L1, L2, L3, सपोज कीजिए आप L3 पे हैं, तो मतलब आपका रेट जो है ज़्यादा है, L1 का सबसे कम है, तो आप 500 रुपये, दिखेगा नहीं कि कितना ज़्यादा है वहाँ पे, आपको अंदाज़ा लगाना है, 500, 1000 कम करते रहेंगे तो आप देखेंगे L2 आ गया, तो L2 आ गया तो मतलब अभी भी आप उससे महंगे हैं पहले वाले से, आप कितना महंगे हैं, जैसे कि वो 1 रुपया भी हो सकता है और 1 पैसा भी हो सकता है, क्योंकि मेरा जब SCL का टेंडर था 0.39 पैसा से यू नो चूक गया था, तो ये चीज़ें हैं। बट फिर से वो कैंसिल हुआ था, दोबारा SCL का टेंडर मुझे मिला था पैन इंडिया का, जिसमें कि 39 पैसा का जो है पर स्क्वायर फीट का टेंडर था, तो उसमें मिला था। तो आप थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, टाइम लिमिट होता है उसमें, राइट। और फिर आप L1 अगर आएगा तो आप यू नो टेंडर आपको असाइन हो जाएगा, एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दिस थिंग के बाद आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे दिया है 90 वर्क में आपको 90 डे, 3 महीने में काम ख़त्म करके देना है, अदरवाइज आपको पेनल्टी लगेगा, ओके। यहाँ पे दिया गया है गाइस, ये देखिए, ये जो है जनरल मैनेजर, राइट, डिप्टी जनरल मैनेजर क्वेलेन LPG बोटलिंग प्लांट, राइट। LPG का जो बोटल होता है, जो सिलेंडर होता है, उसका जो है प्लांट है केरला में, ठीक है, वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट टेंडर है आपका, यहाँ पे पहले ही लिखा गया है, राइट। सो वहाँ पे आपको पेंटिंग का काम करना है, ये कोई भी कर सकता है जाके, इट्स नॉट ए बिग डील, यहाँ पे किसी भी राज्य से। यहाँ पे देखिए क्वेलेन BP, राइट, बोटलिंग प्लांट है केरला में, क्वेलेन एक प्लेस है वहाँ पे, एंड बोटलिंग प्लांट है IOCL का, तो वहाँ पे आपको जो है ये पेंटिंग का काम करना है, राइट गाइस। सो आप टेंडर फिल कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए टेंडर के साथ, थैंक यू, विल मीट यू टुमारो।